कितने खतरनाक होते हैं। साशा ओ गुड गर्ल। सो वेलकम बैक गाइस। आप सोच रहे होंगे कि मैं आज लेटा क्यों हूँ, क्योंकि आज साशा के साथ बाहर मस्ती करने का दिन था। आप देख सकते हैं साशा आज आउटडोर आई हुई है और बहुत एंजॉय कर रही है। सो स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। सो वेलकम बैक गाइस। आज मुझे मन हुआ कि आज साशा के साथ, मौसम बहुत अच्छा था, पूरा क्लाउड से फ्री है, बहुत ही अच्छी धूप थी, तो मुझे लगा कि चलिए आज साशा को आउटडोर लेके आते हैं। मस्ती खोर है, बहुत ज़्यादा मस्ती खोर है। आगे दिखाते हैं इसकी सारी मस्तियाँ। आ जा। अरे देखो, मेरे पास ही आना रहता है, क्या नाटक है इसका। साशा चलाओ कम आए। देखा मज़ा आ रही, इसको मज़ा बहुत आ रही है। एक्चुअली कलर बाकी इसने बहुत अच्छा पकड़ी है। ये देखो, इसका बड़ा मन होता है बाहर आके खेलने में, का बहुत मन करता है, मेरे से थोड़ा अटैच है। एंड अनफॉर्चुनेटली ये है कि ये जाने वाली है अहमदाबाद। मैं कोशिश करूँगा। देखिए कौवा देख के कैसे डर गई हो। क्या कर रहे तुम, क्या कर रहे हो? अरे बाप रे बाप, टंग देखो इसकी टंग। कभी आपने टंग देखी मकाओ की? टंग ब्लैक कलर की। इसको ना एक बार मैं इसको एक छोटे से ट्री के ऊपर छोड़ के देखता, देखो क्या करती, क्योंकि जितने भी प्रीनिंग कर रही है ना, प्रीनिंग का मतलब ही यही होता है कि इसको मजा आ रही है। चलो जाओ जाओ जा, क्या करेगी देखते। साशा को लकड़ी मिल गई, अब उसको तोड़ती मरोड़ती रहेगी, खेलती रहेगी इससे वो। साशा आओ, आ जा आ जा। देखिए कैसे उल्टा हो रही, देखिए नहीं, आ जा आ जा आ जा, ठीक है आ जा। आए शाबाश, गुड गर्ल गुड गर्ल गुड गर्ल गुड गर्ल। क्या हो गया साशा को? चलो यहाँ खेलो, यहाँ खेलो तुम, चलो साशा कम, साशा आजा 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 आजा। वो मेरे को देखेगी ना, मेरे पास ही आएगी। चलो साशा आओ, आजा 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 आजा, गुड गर्ल गुड गर्ल। अब इसको थोड़ा दूसरे में इसको झाड़ पे रख के देखता हूँ, मेरे को ये थोड़ी सूटेबल जगह लग रही है, इसको मैं छोड़ के देखता हूँ। जाओ 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 साशा, जाओ, इसको मेरा साथ ही नहीं छोड़ना। साशा जा, अच्छा चलो यहाँ यहाँ से छोड़ के आ जाओ, यहाँ से आ जाओ, यहाँ से आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, गुड गर्ल। हे चूटी खा रही हो? शी, उसने एक छोटा सा बड़ी सी एक चूटी उठा के खा ली। इंसेक्ट होते हैं, अब उसने उठा के खा ली, देखो उसको टेस्ट कर रही हो, क्योंकि अभी साशा के साथ ये देखो इसको ऐसा मस्ती करने दी। साशा जम, वन टू थ्री। अभी मैं आपको साशा का एक मेहमान और एक मेहमान से मिलाता हूँ, उसका नाम है चैम्प एंड ही इज एन अफ्रीकन ग्रे, और ये बहुत अच्छा टॉकिंग करता है, अगर आप इसको देख सकते हो। और ये दोनों की नहीं बनती, देखिए देखिए इसको क्या है ना, ये एक्चुअली साशा बहुत ज़्यादा पजेसिव है, अगर इसको किसी के साथ में मेरे बर्ड को देखती है ना तो बहुत ज़्यादा हो करती है, और ज़रा सा नज़दीक लेके जाएंगे देखो क्या करेगी। नो, ये आप ये नहीं सोचना कि चोंच खोल के इसको डरा रही है, शी इज़ वेरी क्यूरियस, इसको चाहिए कि क्या है क्या नहीं है उसके हिसाब से क्यूरियस है। देखिए स्लो स्लो, नो ए बोबा क्या हो गया, देखा क्या होगा, ऊपर से तो रेड रहते हैं मगर जब अंदर से देखेंगे ना ये डार्किश ग्रे कलर के होते हैं, ऐसा ही सेम है ना एक्लेक्टस पैरट के साथ होता है, ऊपर से आप इतने कलरफुल, मगर जैसे आप इसके अंदर देखेंगे, अगर यहाँ आप क्लोजअप लेंगे ना, ये देखो इनके अंदर ब्लैक कलर के ये होते हैं, ये जो आगे जाके रेड कलर के होते हैं, और कलर का शेडिंग जो कैसा होता है टेल में, अगर आपने देखा होगा एकदम ये टॉर्कोइज ब्लू, वहाँ से रेड कलर की, तो इतना सेपरेशन जो कलर का ना, इतना ऊपर वाले की कुदरत की वो है, जो इतना ज़बरदस्त कलर है। अभी है ना मैं इसके स्लो से, देखिए इसके स्ट्रॉन्ग, इसके ये देखिए नेल्स देखिए, इसीलिए ये बर्ड जो कीपिंग होता है खासकर एग्जॉटिक बर्ड्स, ना देखिए कहाँ तक घुसा है उसने नाक, वो बाय नेचुरल इनकी वो होती है ग्रिप होती है, अगर आपको ये सब चीज़ से परहेज है मत करिए। मगर इसको ग्रीनविंग मकाऊ वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट क्यों बोलते हैं, देखिए स्लो से देखिए, ये देखो
ये बर्ड मेरे पे इतना ट्रस्ट करता है कि ये इस तरीके की पोजीशन पे लेटा हुआ है, नहीं तो कभी बर्ड ऐसा कभी उल्टा नहीं हुआ, खासकर इतनी एज में आने के बाद, है ना। है ना, क्या हो गया? अच्छा, अरे अरे अरे, इसको उठना है अभी, देखिए ये उठ गई। अब तो आपको बर्ड का बॉडी लैंग्वेज भी समझना पड़ेगा, इसको कब उठना है, कब खेलना है, कब क्या करना है। ये कलर आपने शायद देखा होगा इसने, ये बहुत छुपा के रखते हैं लोग। देखिए ये टेल घसीट रही है, ये सब क्लीन कर रही है। इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताता हूँ, अभी इसकी तो फिलहाल मोल्टिंग हो चुकी है। इनके बॉडी के अंदर से ना पहले स्ट्रॉ टाइप एक ऐसा कवर निकलता है, मैं ढूंढता हूँ वो कवर, वो स्ट्रॉ टाइप कवर के अंदर से फैदर निकलते हैं, जिसके अंदर ना वैक्स बहुत ज़्यादा होता है, ये सब तभी इतने शाइनिंग होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ बर्ड का ट्रस्ट जीतने का फ़ायदा क्या होता है, आप उसके साथ क्या क्या कर सकते हैं, और ख़ासकर एक ग्रीन विंग मकाऊ जो वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट मकाऊ होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। चलो शशक बाबा, गुड गर्ल गुड गर्ल, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये देखिए। और ये तभी करते हैं ना, देखिए मैं किसी को डिस्करेज नहीं करना चाहता, ये आपका बॉन्ड आपके बर्ड के साथ ऐसा होना चाहिए। इसका मैं उल्टा करके मैं इसका फैदर खोल रहा हूँ। अच्छा, इसके फैदर आपने कहीं काटा नहीं है, ठीक है, बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं फैदर काटने के सख्त अगेंस्ट में हूँ। मैं आपको दिखा दूँ इनके जो क्लॉज, जो पंजे होते हैं ना, उसके स्केल देखिए कितने खतरनाक होते हैं, डायनासोर फीट जैसे लगते हैं, और अंदर सॉफ्ट। इसीलिए मैं हमेशा नेचुरल पर्स यूज़ करने बोलता हूँ, इनसे इनकी ग्रिप ना स्ट्रांग रहती है, और ये हेल्थी फीट की निशानी है। अगर आप देखेंगे ना, ये एक हेल्थी फीट की निशानी है। उसको आज बहुत मज़ा आ रही है, एंड आई एम ग्लैड कि हम लोग उसको आज बाहर लेके आए, है ना, मज़ा आई ना। और उसका सर का साइज़ देखिए आप, मेरा हाथ है, इसका सर का साइज़ देखो, सर का साइज़, ये बीक की नोक है ना, ये अगर चाहे ना ये फ्लैश के आर पर घुसा के बाहर निकाल दे। देखिए मेरे हाथ की हालत आपने देखी होगी, इतने मकाऊज हैंडल करने का, ये सब आज का आज का आज का आज का आज का आज का मस्ती 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 मस्ती। चलो अब इसको मैं एक उससे उठाने की कोशिश करता हूँ, देखते करते के। चलो आओ, देखा आपने, ये एक नाखून मैंने इसको यहाँ अटकाया हो, देखो इसने पकड़ी है, अब ये उठेगी। अच्छा अच्छा, गुड गर्ल, लटकना इसने स्टार्ट कर दिया, क्या हो गया क्या हो गया, देखिए देखिए तो अब इसको उल्टा करता हूँ। आजा आजा आजा, क्या हो गया, स्लो से करना है, झटके से आप काम नहीं करिए, स्लो से करिए। देखिए छोटे बच्चे के साथ, छोटे बच्चे लोग के जैसा उसको टर्न करना है आपको, सीधा करके स्लो से करना है। हाँ हो गया, उसी तरीके से बर्ड आप भी बॉन्डिंग करिए। मेरा मकसद है कि वीडियो बनाने का ना, मैं बाहर लाकर वीडियो बनाने का मकसद ये रहता है कि मुझे चाहिए कि बर्ड इंडिया में एक बर्ड लविंग कम्युनिटी हो, जो बहुत ही इन्फॉर्म्ड हो, जिनको नॉलेज हो, और इस तरीके का बॉन्डिंग बनाइए। एटलीस्ट बर्ड को एक सही इन्वायरमेंट दो, खेलने का तरीका, देखो अभी भी उसको वही है, उसको उल्टा कर दो, बर्ड को सही इन्वायरमेंट दो, बर्ड के साथ बॉन्डिंग अच्छी करो कि बर्ड आप पे आँख बन करके भरोसा करे, इस तरीके से, है ना, गुड गर्ल। सो मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो की तरफ। साशा आपको कैसे लगी, इसकी मस्तियाँ कैसे लगी, और फिर से इसकी क्लीनिंग चालू है, तो मिलते हैं अगले वीडियो की तरफ। गुड बाय।